अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं खेल खिलाड़ी। लाहौर कलंदर्स के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि राशिद खान जो कि दुराने मैचेस जो है वो लाहौर कलंदर को छोड़कर नेशनल ड्यूटी के लिए बांग्लादेश चले गए थे, वहां पर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वो वनडे सीरीज़ खेल रहे हैं। बताया जा रहा है कि राशिद खान जो है वो वापस आ रहे हैं और वापस आकर फाइनल के लिए लाहौर कलंदर्स की जान से नुमाइंदगी करेंगे। लाहौर कलंदर्स की जो मैनेजमेंट है उसने, जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके अलावा जो राशिद खान है उनसे इब्तदाई तौर पर रबता कर लिया और राशिद खान ने आने के लिए मुस्बत इशारे दिए और इम्कान है कि राशिद खान जो है वो वापस लाहौर आएंगे और आकर वहाँ पर फाइनल मुकाबला जो कि मुल्तान सुल्तान से खिलाफ 27 तारीख को शेड्यूल है वो खेलेंगे। 28 तारीख को अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच है वनडे। अब देखना यह कि क्या राशिद खान वो अपना मैच स्किप करेंगे या फिर वो फाइनल मुकाबले के लिए वहाँ पर आकर मैच खेलकर वापस जो है वो चले जाएंगे। इससे कबल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी अपने दो खिलाड़ियों के, पॉल स्टर्लिंग थे उसके अलावा एलेक्स हेल थे, दोनों खिलाड़ी अपने, पॉल स्टर्लिंग तो अपनी आयरलैंड सीरीज में उसके लिए गए थे, उसके अलावा एलेक्स हेल कुछ जाती वजूहत की वजह से वापस चले गए थे, लेकिन वो दोनों खिलाड़ी को उन्होंने वापस बुलाया और दोनों खिलाड़ी को आने का फ़ायदा भी हुआ, लेकिन गुज़श्ता मैच बदकिस्मती से जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत नहीं सका, लेकिन दोनों बड़े नाम थे उनके आने से इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये खेलों का फ़ायदा हुआ था। बहरहाल लाहौर कलंदर्स के फैंस की बड़ी बात यह कि राशिद खान अगर वापस आते हैं तो यकीन तौर पर जो लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग लाइनअप है वो इंतहाई मजबूत हो जाएगी और एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी होंगे, उनके साथ हारिस रऊफ होंगे, जमान खान होंगे और राशिद खान जब आएंगे तो फिर मुल्तान सुल्तान्स के ओपनर्स हों या मिडल ऑर्डर्स हों उन्हें काबू करना जो है वो लाहौर कलंदर्स के लिए काफ़ी जो है वो आसान हो जाएगा। बहरहाल ये इब्तदाई मालूम थी राशिद खान के वाले से। राशिद खान ने अभी तक ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया लेकिन गालिब इम्कान है कि वो आएँगे और लाहौर कलंदर्स की तरफ से जो है फाइनल मैच खेलेंगे। तो कल 27 तारीख को शाम 7:30 बजे फाइनल मुकाबला लाहौर के कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा।